आज हम बना रहे हैं पीनट बटर, वो भी घर में, और बहुत जल्दी बन जाता है ये। तो चलिए देख लेते हैं इसकी रेसिपी। इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे 200 ग्राम के करीब पीनट्स, और इन पीनट्स को अब मैं रोस्ट कर रही हूँ इस कढ़ाई में। हमें इस कढ़ाई में अच्छे से इन पीनट्स को रोस्ट करना है, चलाते रहना है लगातार, कहीं ये जल ना जाए इस बात का ध्यान रखना है। और जब ये थोड़े से सूखने लगे तो हमें इन्हें एक किसी भी कपड़े के ऊपर निकाल लेना है इस तरह से। अब मैं इस कपड़े को फोल्ड कर रही हूँ और कोशिश करूँगी कि इसके जो छिलके हैं वो निकल जाएं। इस तरह मसलने से इसके छिलके निकल जाते हैं, और हमें इनमें से छांटना है ये वाइट कलर का मूंगफली का अंदर का पार्ट। आप चाहें तो ये साथ में भी पीस सकते हैं, पर मैं नहीं इसको यूज़ कर रही हूँ छिलकों को, और इसका वाइट ही पोर्शन में यूज़ कर रही हूँ पीनट बटर बनाने में। और ये वाइट जितने भी पीनट्स हो हैं इन्हें मैं कलेक्ट करके अब मिक्सी के जार में डाल दूँगी। आप कोई भी मिक्सी का जार यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने मसाले वाला जो सबसे छोटा जार होता है उसे यूज़ किया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ब्लैक सॉल्ट टेस्ट के लिए, बहुत थोड़ा सा, 1/4 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। और अब हम इसको चन करते हैं। मिक्सी को अच्छे से चलाएंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलाएंगे। अगर हम इसे रेगुलरली चलाते रहेंगे तो हमारी मिक्सी पर लोड पड़ेगा। ये देखिए थोड़ा सा ये पिसना शुरू हो गया है और दरदरा हो गया है अभी हमारी मूंगफली। इसे थोड़ा और देखते हैं, अभी थोड़ा और चलाना है इसे। एक बार फिर देख लेते हैं। ये देखिए अभी थोड़ा इसका ऑयल निकलना शुरू हो गया है। वापस एक बार और ग्राइंड करते हैं, और ये देखिए बिल्कुल रेडी है। अब हमारी पीनट बटर को हम स्टोर कर लेंगे। किसी भी, आपके पास कोई शीशी पड़ी हो उसमें आप स्टोर कर लीजिए। एक्चुअली इसमें थोड़ा मीठा भी डलता है, पर मुझे ऐसे ही पसंद है। और अगर आपको किसी ब्रेड स्लाइस में मीठा लगाना है तो आप शहद लगा लीजिए या जेली लगा लीजिए, और उसके साथ इस पीनट बटर को यूज़ करके आप बना सकते हैं अपने लिए बेहद ही टेस्टी कोई भी सैंडविच। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।